पीपल अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज का व्लॉग कुछ मेरे लिए अच्छा है, थोड़ा बुरा भी है थोड़ा अच्छा भी है। मुझे तुम लोगों से अपनी बुरी और अच्छी खबर दोनों सुनानी थी। एक ये कि यार पहले तो लैपटॉप निकाल लिया, बुरी खबर का इस लैपटॉप से बड़ा लेना देना है, मैं तुम लोगों को ये दिखाना है। और फिर उसके बाद एक अच्छी खबर के यार तुम लोग टाइटल देख के खैर समझ गए होगे कि क्या रीज़न है मेरे इसके बोलने का। एक्चुअली मैं तुम लोगों को डायरेक्ट दिखा देता हूँ। अब आया मैं न्यू आईफोन XS, अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई, तो अब थोड़ा रियल पे आते हैं। भाई आपके भाई ने ना एक ये लिए हैं एयरपॉड्स प्रो, क्योंकि अब जब आईफोन ले रहे थे तो ये तो ज़रूरी ही था, है ना, ये तो ज़रूरी ही था अल्हम्दुलिल्लाह XS भाई। लेकिन अब तुम लोगों का सीन ये कि ना कम से कम अब तुम लोगों को थोड़ा अच्छा नज़र आएगा, लाइक बुरा नज़र नहीं आएगा, वरना पहले बहुत ज़्यादा बुरा आता था। खैर शक्ल वैसी है, वो तो जैसी है वैसी रहेगी, वो नहीं चेंज कर सकता ना यार, मसला ये माना दाढ़ी वाड़ी। और एक और भाई, जब खर्चा किया है तो ये भी बनता है, ये क्यों नहीं बनता। आईफोन वगैरह इतने सारे दो तीन फ़ोन है मेरे पास, मैं वो कैसे लेके घूमूंगा। तो इसके अंदर मैं ले लेके अगर मैं कभी बाहर जाऊँगा और जो ऐसे ऐसे करके चीज़ें लेनी है, अब मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि ड्रीम्स कम ट्रू। मुझे तुम लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी है, आई होप तुम लोगों को पसंद आएगी, देखना। और वो है, दिस इज माय Xbox One Pro 1TB। अभी कंट्रोलर चार्ज नहीं है इसका दादा, मतलब मेरी ना ख्वाहिश थी कि मेरे पास ना सारी चीज़ें हों, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नाउ। सो अभी मुझे अर्ज़म के पास जाना है, क्योंकि जो बैड खबर है मैं तो तुम लोगों को उधर पहुंच के ही बताऊंगा। मुझे ख़ुद को बड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। तो वहाँ चलते हैं, पहले तो अच्छे बच्चों की तरह मुंह हाथ धोता हूँ फिर निकलता हूँ, वरना तुम लोगों के हमेशा से कमेंट आ जाएगा कि एक ही शक्ल पे बना रहे हो। तो बाय। देखे ना इधर करे इतनी ना फिकर, चले वहाँ जहाँ ले जाए हम, यहाँ ले जाए हम, डूबा जाए डूबा डूबा मेरा दिल जो दिखाए, आशिकी की कसम दुख लाए, डूबा डूबा मेरा दिल डूबा जाए, दिन डूबा जाए डूबा। हाँ तो भाई इसके घर पे आने का रीज़न ये था मेरा कि यार एक्चुअली जो मेरी पुरानी जॉब थी ना जो मैंने करी थी, वो मैंने कल रात में रिज़ाइन कर दिया, मतलब वो जॉब मैंने छोड़ दी, बिकॉज उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कर रहा था कि मैं किसी का हुक्म मान सकता हूँ ऐसे या नहीं, बिकॉज यार मुझे शुरू से कभी मैंने सोचा नहीं था, कोई लड़का नहीं सोचता कि उसे जॉब करनी है, तो मेरा भी कोई ऐसा ओपिनियन नहीं था कि मैं जॉब करूँगा, बट मैंने करी। सेकंड के मैंने ये भी सोचा था कि अगर मुझे वहाँ करते करते कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो मैं उस जॉब को लीव कर दूँगा, और मुझे उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। मीडिया प्रोडक्शन हाउस के अंदर मैं अपने दोस्त के साथ अर्जम के साथ गया था इंटरव्यू के लिए, और उसके अंदर वो तो सिलेक्ट हो गया। अभी मेरा कुछ पता नहीं है, वैसे मेरे 50-50 चल रहे हैं, मुझे अभी एडिटिंग का ही सिखा रहे हैं। मैं इसके पास लैपटॉप लेके इसलिए आया हूँ, इससे भी एक सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करा है। तो अभी बुरी खबर यही थी कि मैंने जॉब छोड़ दी, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, थोड़ा नर्वस भी चल रहा हूँ। मीडिया एक्चुअली इस व्लॉग्स का कॉन्सेप्ट था मीडिया, लेकिन मीडिया इसके अंदर एम भी नहीं है मीडिया का, यार आई एम रियली सॉरी। बिकॉज यार सीन ये कि मीडिया के अंदर ना मेरे कोई फादर है, ना डायरेक्टर मेरा कोई चाचू वगैरह लगते हैं, ना फिर एक्टर कोई मेरा भाई लगता है, ना कोई हीरोइन मेरी कजन्स लगती हैं। तो डेट्स अ रीज़न के मैं एक्टर नहीं बन पा रहा, मेरी स्ट्रगलिंग चलती जा रही है, तुम लोगों को सही से भी दिखा नहीं पा रहा। क्योंकि अब इंशाल्लाह अगर मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, क्योंकि मेरा भी प्लान हो रहा है जेनेसिस जाने का, और सिर्फ वापस से मुझे अपना 2 दफ़ा पोर्टफोलियो शूट कराना है, उसके लिए मैं अपने बाल बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं कर्ली वापस से कर सकूँ। और दाढ़ी मुझे किसी डॉक्यूमेंट्री जो हमारी रह गई थी ना, वो इसका फॉल्ट है, डॉक्यूमेंट्री जो हमारी रह गई थी वो अभी 1 महीना और डिले हो गई, क्योंकि मेरी दाढ़ी मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा ग्रो करनी है। अब पता नहीं वो क्या सीन है, जो भी है वो इसको पता है मुझे नहीं पता। और बाकी आई होप कि यार मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ उस जॉब के लिए, क्योंकि वो मतलब एक काम से रिलेटेड जॉब है मेरी, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे स्किल्स आएंगी चीज़ों की। सामान यहाँ पे रख दिया है, और आज उस्मान के साथ भी कहीं जाने का सीन है, शायद अभी वो आया नहीं है घर पे, वो बोल रहा था कि मैं चक्कर लाऊंगा, अब देखते हैं कहाँ। तो फिर जब मैं घर जाऊंगा, घर जाने के बाद ही बताता हूँ क्या सीन है, जब तक मैं अभी काम सीखती हूँ उससे थोड़ा। कुछ के लिए बना दीवाना, कुछ के लिए पागल, कुछ के लिए अभी अनजाना, मेरे लिए मैं क्या, देखे ना
जा। हेलो भाई यार, मेरे प्लान्स थे जो तुम लोगों को बताया था मैंने कि उस्मान आएगा, उस्मान के साथ मुझे जाना है। मुझे अभी कुछ देर पहले उसकी कॉल आई, मैं कब से उसका वेट कर रहा था घर पे आके, उसने मना कर दिया आने से क्योंकि उसकी कॉल आई। उसने मुझे बोला कि यार मैं ना अपनी कोई करीबी दोस्त के साथ हूँ, बाहर गया। यार डिनर प्लान हमारा था, वो कर उसके साथ रहे इस वक्त। खैर लेकिन कोई मसला नहीं है, तुम लोग समझ ही सकते हो कि क्या कह सकते हैं ऐसे। और मुझे गुस्सा आ रहा है लिटरली, लेकिन खैर कंट्रोल कर रहा हूँ। गुस्सा मुझे सिर्फ इस बात पे नहीं आ रहा, इस बात पे आ रहा है क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ मेरा प्लान था बाहर, हम लोग पार्टी करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो उन लोग मेरे इंसिस भी कर रहे थे, मैंने इसके चक्कर में मना कर दिया था। और खैर वो लोग भी चले गए, अब मैं घर पे बोर बैठा हुआ हूँ। और दूसरा कि यार मैंने नया पाउच लिया, टॉपिक ही चेंज हो गया बिल्कुल ना, नया पाउच लिया क्योंकि उसके ऊपर ना निशाना ना आ जाए फ़ोन के ऊपर। और तीसरा ये कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैं मिठाई क्यों लेकर आया। मिठाई लाने का रीज़न यार एक्चुअली ये था कि जब पहली सैलरी हर बच्चे की आती है ना, तो उसका काम है कि वो अपने माँ बाप के हाथ में रखे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं रखे, मैंने भी रखे हैं, लेकिन मैंने जितने रखे थे उससे डबल मैंने वापस भी ले लिए थे। मुझे अजीब लग रहा था लेकिन मुझे फ़ोन बाय करना था, उसकी वजह से मैंने वापस ले लिए थे। और अब तो जॉब भी छूट गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छूटने की खुशी में खिला रहा हूँ एक तरीके से भाई, अलग ही लॉजिक ही हमारे ना चेंज होते हैं कुछ। खैर मैंने फ़ोन ले लिया, मैंने पैसे वगैरह भी उनसे वापस ले लिए, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं आज जाके मिठाई लेता हूँ, और पहली सैलरी के चक्कर में जो मैंने नहीं खिलाई थी वो अब जाके मैं मिठाई दे देता हूँ। तो अभी अम्मी नमाज पढ़ रही नहीं, तो मैंने फ्रिज में जाके मिठाई रख दी और मैं इधर आ गया वीडियो बनाने के लिए। तो यार मेरे व्लॉग बहुत सिंपल है, मुझे पता है नो, कोई ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ करने के लिए नहीं हो रहा। जेनेसिस जाने का प्लान है, सिट्रिस का प्लान है, सिट्रिस में तो मुझे पोर्टफोलियो के लिए जाना है, जेनेसिस के अंदर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, लेकिन देखो आई होप के हो जाए, नहीं हो तो तुम लोगों को ज़रूर बताऊँगा और दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो तुम लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि सपोर्ट के बिना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। खैर फिर भी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।